tales of popular, beautiful television and Bollywood actor Ragini Khanna, who is seen in many reality shows as well. Here's Ragini Khanna for you, reaching out to her millions of fans and sharing her journey with us. Let's hear the wonderful Ragini on her take on life and her career in this exclusive interview. मैं honestly film family में ही पैदा हुई हूँ, तो मेरे लिए cinema is home. Television was a challenge. मुझे television समझ में नहीं आता था. बहुत अच्छा रहा और अच्छे लोग मिले जिन्होंने मुझे सिखाया और जो भी काम करूँगी खुशी से ही करूँगी. मैंने ना टीवी में जब मेहनत की थी, मैंने कभी उसका फ्रूट के बारे में नहीं सोचा था कि इतना अचीवमेंट चाहिए. मैंने मेहनत की, बाकी जो रिएक्शंस मिले वो इट फॉलोड. फिल्म में भी, सिनेमा में आने के लिए मैंने बहुत सारी वर्कशॉप्स की, एक्टिंग की. मैंने टेलीविजन की एक्टिंग को अनलर्न किया, सिनेमा की एक्टिंग को सीखा, बहुत सारे वर्ल्ड सिनेमा के फिल्म देखे. मतलब मेरी जो एक प्रोसेस है दुनिया को समझने की, बहुत ट्रैवल किया, लाइफ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, बहुत कुछ सीखा, अपने आप को ऑब्जर्व किया, अपने टीचर्स से लर्न किया. तो वो तो कॉन्स्टेंट प्रोसेस है, इसका कोई अंत ही नहीं है सीखने का. आई फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. जितना सब ने फेस किया उतना ही मैंने भी फेस किया है. ऐसा नहीं है कि मैंने चैलेंजेस फेस नहीं किए हैं. इट्स जस्ट दैट मैंने हमेशा हर बुराई में अच्छाई देखी, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट जो होना है वो तो होना ही है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते. और वो जो एक इम्पैक्ट छोड़ के जाता है वो छोड़ता ही है. एट द एंड ऑफ इट अगर मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हेल्थ. अगर ईश्वर ने मुझे मेंटल और फिजिकल हेल्थ दी है, मैं प्रिविलेज्ड हूँ. अगर ईश्वर ने मुझे एजुकेशन दी है, मैं उससे भी ज़्यादा प्रिविलेज्ड हूँ. एक अच्छी फैमिली दी है, मैं और भी ज़्यादा प्रिविलेज्ड हूँ. ये बेसिक्स हैं लाइफ के और हमें इन्हें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए. मुझे ये देख के खुशी नहीं होती कि मेरे आज 4 आर्टिकल ज़्यादा छप गए न्यूज़पेपर में. उससे भी एक समझ में आता है कि कुछ आपने सही काम किया है, यू नो, एक सेटिस्फैक्शन मिलती है. लेकिन आपकी माइंड और बॉडी, आपकी स्पिरिट, आपकी इंटेग्रिटी इंटैक्ट है, आपकी हेल्थ सही है, उससे बड़ी नेमत कोई दुनिया में है ही नहीं, यू नो. और ये आप तभी समझेंगे जब आप दुनिया में लोगों को देखेंगे. हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हम टेकन फॉर ग्रांटेड, यू नो, लेते हैं. पीपल डोंट हैव वाटर, पीपल डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी, यू नो. टू हैव ऑल दीज थिंग्स, दिस इज लग्जरी फॉर समवन, जो हमारे लिए बेसिक है. सो यू हैव टू हैव सो मच ग्रैटिट्यूड एंड यू एंड वाई शुड यू नॉट बी हैप्पी अबाउट दीज थिंग्स. जो नहीं है उसके चक्कर में आप जो है उसको, यू नो, रिजेक्ट कर रहे हो. मैं स्कूल में एनुअल फंक्शंस में परफॉर्म करती थी. एक कमी रह गई मुझे, ऐसा लगता है कि मैंने थिएटर नहीं किया. मुझे थिएटर भी करना है, मुझे थिएटर सीखना है. और परफॉर्म करती थी तो अच्छा लगता था. यू फील लाइक अ सर्टेन सेंस ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन. योर आर्ट विल ऑलवेज एनेबल यू टू एक्सप्रेस मोर इमोशनली. एंड आई फील वेरी कम्फर्टेबल व्हेन आई एम प्लेइंग कैरेक्टर्स टू एक्सप्रेस माई सेल्फ कम्प्लीटली. आई हैव ऑलवेज मेड चॉइसिस विच आई अग्री विद. आई हैव नेवर डन एनीथिंग विच आई डोंट अग्री विद. सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड स्पेस टू बी इन. यू नो, मैंने कभी कुछ ऐसा काम नहीं किया जो मुझे नहीं करना था, तो वो मुझे लगता है एक ब्लेसिंग है अपने आप में. टू बी इन दैट स्पेस कि आप वो कर रहे हो जो आपको करना है, वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अपने आप में. तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहिए यूनिवर्स को, गॉड को, कि यू आर इन अ पोजिशन ऑफ मेकिंग चॉइसेस. तो इसीलिए शायद मैं जो भी काम करती हूँ उसमें मैं पूरा 100% दे पाती हूँ, क्योंकि मैं उस प्रोजेक्ट से बहुत प्यार करती हूँ. मैं जितने लोग जुड़े होते हैं, आई हैव ओनली लव एंड ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स दैम. तो आई एम वेरी, आई थिंक आई एम फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड टू मेक ऑल दीज चॉइसेस. आई सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम एवरीवेयर, not necessarily some very popular person. You can seek inspiration from somebody who is one of your people who are working for you also, because everyone wakes up and gets out of their house to make a life, to make a living. You inspiration is everywhere. Itne log Bombay aate hain acting karne ke liye, pursue karne ke liye. 2000 log aate hain. kitni mehnat hai yahan par. कितनी बार आपको सर्वाइवल के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है. उसमें से कुछ लोगों को कुदरत नवाजती है पॉपुलैरिटी से, सक्सेस से. तो मुझे जितनी भी छोटी सक्सेस जो भी मेरे हिसाब से मिली, मैं उसमें बहुत बहुत, इतना सक्सेस है तो मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, बिकॉज़
कुछ भी करने के लिए आपको सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहिए. यू नो, अगर आप हर चीज़ में नुक्स ढूंढेंगे, हर चीज़ में आप बिटरनेस ढूंढेंगे, कोई खोट ढूंढेंगे, तो वो आपकी खुद की मेंटालिटी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है और आप कभी सुखी नहीं रह पाएंगे. तो आपको सबसे पहले तो ह्यूमिलिटी होनी चाहिए सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए, कुदरत आपको जो जो दे रही है. और जब आप खुश रहते हैं ना, तो आपका माहौल भी खुश रहता है. मैंने ऑब्जर्व किया है कि कितनी बार मॉम यू नो अपसेट हो जाती हैं किसी चीज़ को लेके. कभी किसी हाउस हेल्प के साथ हमारा मॉम का 36 का आंकड़ा रहता है तो मुझे शूटिंग के बीच में कॉल आता है, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया. मैं, मम्मा मैं काम कर रही हूँ. नहीं बट तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं है, मेरे घर पे एक हाउस हेल्प है जिसका नाम है रूबी. तो वो बोलती है दीदी आज ना आज आज मम्मी ने ऐसा कर दिया. तो मैं हंस देती हूँ, तो मैं हंस देती हूँ तो मम्मी भी हंसने लगती है. सो इट्स इन्फेक्शियस, यू नो, लाफ्टर इज कंटेजियस, इट इज़ इन्फेक्शियस. तो आप जो एनर्जी आप बाहर देंगे वो इट मल्टीप्लाइज बाय मैनिफोल्ड्स एंड इट कम्स बैक टू यू. सो वॉट यू आर गिविंग इज इवेंचुअली वॉट यू आर रिसीविंग. सो इफ यू आर रिसीविंग समथिंग नेगेटिव, यू फर्स्ट नीड टू इंट्रोस्पेक्ट दैट वॉट्स रॉन्ग विन यू. वॉट आर यू गिविंग दैट यू आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट. देखिए मेरे फादर ना एक बात कहते थे जो मेरे जहन में बहुत बहुत स्ट्रांगली इम्प्रेशन कर चुकी है. वो एक कहावत कहते थे, बाजुबान नहीं ही से बाजुबान बाकिस्मत, बदजुबान बदकिस्मत. और एक और कहावत है पंजाबी की, यू नो, गल कहती तू मैनू मुँह अकड़ मैं तेनू शहरों कड़ानी हूँ. विच मीन्स के आपके वर्ड्स इतने सही होने चाहिए. जैसे मैं, देखिए सिंपल था फंडा है लाइफ में, मैं वैसा ही बिहेव करूँगी जैसा मैं अपने साथ बिहेवियर चाहूँगी. I would like to treat people exactly how I want to be treated. अगर मैं किसी के साथ बदतमीजी कर रही हूँ, फिर मैं उम्मीद नहीं कर सकती हूँ कि वो मेरे साथ तमीज़ से पेश आएंगे या मेरे साथ अच्छी तरह बात करेंगे जब मैं ही बदतमीजी कर रही हूँ. तो आपको खुद कितना तमीज़ में रहना चाहिए, आपको कितना दूसरों की सेंटिमेंट्स को मद्देनज़र रखना चाहिए. आप सब, हम सब इंसान हैं, हम सारे हमारे अंदर सबके अंदर वही इमोशंस हैं. हमारे अंदर सारे वही, हम वही खाना खाते हैं, जीते हैं, सांसें लेते हैं, वही नेचर है. कुदरत का भी एक, मतलब कोई बहुत अमीर है तो उसको स्पेशल सनलाइट तो नहीं जाती ना उसके घर में कि आज सनलाइट किसी बिलियनर के घर में ज़्यादा जाएगी नहीं ना. सो यू हैव टू ट्रीट एवरीवन नॉर्मली एग्जैक्टली हाउ यू वांट टू बी ट्रीटेड. तो इट कम्स फ्रॉम अ फैक्ट दैट आई वांट टू बी ट्रीटेड वेल, सो आई एम आल्सो हैव टू बी करेक्ट, राइट? इट्स जस्ट दैट इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. आई हैव लर्नड इंडियन क्लासिकल सिंगिंग फॉर 15 ईयर्स. आई हैव लर्नड कथक, आई हैव लर्नड लैटिन अमेरिकन डांस फॉर्म्स फॉर almost 15-20 years. I'm still learning. I have learned acting. Honestly, मैं मुझे भी performing arts के अलावा और कुछ आता नहीं है. तो मुझे ये काम के अलावा अगर आप मुझे बोलो कि रागनी कुछ और कर ले, हालांकि मैंने masters in commerce किया है and मैंने accounts और tax में भी मैं बहुत अच्छा score किया था, but फिर भी I don't think I have a life beyond performing arts. I have learned everything because I wanted to learn it, because I enjoyed it. Singing is something which connects me to my spirituality. And only because I enjoyed it, I did it. And when I saw that there is an opportunity to be a part of something which I am so, you know, so passionate about, my performing arts, then it was a very natural, you know, choice. नहीं, मैं हमेशा ही satisfied रहती हूँ. और ख्वाहिशें मेरी कोई ऐसी, मतलब मैं like I never really like I pray. I'm more spiritual than religious. And I'd meditate, you know, and I but I have never really, मैंने कभी ऐसे मंदिर गई हूँ, मस्जिद गई हूँ, या गुरुद्वारे गई हूँ, या चर्च जाती हूँ, मैं सब जगह जाती हूँ. मैं कभी ऐसे बोला नहीं है कि यू नो मुझे ये दे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए. मैंने कभी नहीं मांगा. तो हमेशा जो मिला है मैंने उसको हमेशा एक्सेप्ट किया है, एंड आई हैप्पीली एसोसिएटेड माई सेल्फ. और मैंने अपनी लाइफ को कभी किसी के साथ कंपेयर भी नहीं किया कि उसके पास ज़्यादा है या मेरे पास कम है, या मेरे पास ज़्यादा है उसके पास कम है. सबके पास जितना होना चाहिए उतना है, या सब जितना कमा रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं उनके पास उतना है. जब भी मैं अपने टीवी के फ्रेटर्निटी किसी को भी मिलती हूँ ना, मुझे एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कंफर्ट महसूस होता है. आई फील वेरी कंफर्टेबल. तो वो कंफर्ट को मैं मिस करती हूँ. वो एक कहता है ना, जो एक घर पर आपको कंफर्ट मिस होता है, कम मिलता है, तो वैसा मुझे टेलीविजन में फील होता है. And but I wanted to challenge myself. That's why I chose to be a part of this movie industries. Mukesh Chhabra ji hain casting director, aur unhone mujhe script di Gurgaon ki. Maine script padhi, unhone kaha test kar lo film ke liye. Maine test kar diya. Uske baad Shankar sir ko mera test acha laga,
उन्होंने मुझसे मिलना चाहा तो मैं मिली उनसे और उन्होंने कहा यू आर ऑन फॉर द फिल्म एंड आई वाज ऑन फॉर द फिल्म. आई ओनली हैड वन एक्सपेक्टेशन. माय ओनली सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट वाज दैट इट शुड बी अ गुड फिल्म, इट शुड बी अ गुड एक्सपीरियंस, विच इट इज़. सो माय एक्सपेक्टेशन इज़ ऑलरेडी फुलफिल्ड, एवरीथिंग एल्स इज़ बोनस. नवाज जी के साथ एक फिल्म की थी जिसका नाम था घूमकेतु, वो कब रिलीज़ हो रही है वो मुझे पता नहीं, बट अभी जो नेक्स्ट फिल्म साइन करूँगी वो जैसे सही वक्त आएगा और जब साइन करूँगी और जब उसके मेकर्स मुझे अलाउ करेंगे बात करने के लिए उसके बारे में, तब मैं खुशी से अनाउंस करूँगी. देखिए आर्टिस्टों के हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं होता है एक्सेप्ट फॉर परफॉर्मिंग देयर पार्ट्स. रेस्ट एवरीथिंग इज़ इन योर डायरेक्टर्स हैंड्स, इन द प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट. सो वी आर जस्ट एक्टर्स गिव देयर सर्विसेज. आई विल बी वर्किंग ऑल थ्रू माई लाइफ. मैं क्या काम करूँगी वो मुझे पता नहीं, बट आई एम अ वर्कोहॉलिक. आई लव टू वर्क. मैं घर पे खाली नहीं बैठ सकती हूँ. आई गेट वेरी फिजिटी. आई एम रेस्टलेस विदाउट वर्किंग. सो आई नीड टू बी इन समथिंग विच ऑक्यूपाइज मी. वी विश द यंग एक्ट्रेस इयर्स ऑफ सक्सेस एंड कंटिन्यूड लव फ्रॉम ऑल हर फैंस. डू शेयर योर कमेंट्स एंड लेट अस नो हु एल्स वुड यू लाइक अस टू डू एन इंटरेक्शन विद नेक्स्ट.